वेलकम टू आवर स्टूडेंट एनालिसिस चैनल, इंग्लिश बाय एम के मोटिवेटर, मैथ बाय अभय अज्ञात। सब्सक्राइब नाउ टू आवर स्टूडेंट एनालिसिस चैनल। आई एम एम के मोटिवेटर। माय डियर पीपल्स, आज मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ाऊंगा। पिछले वीडियो में यानी टेंस का यूनिक कंसेप्ट 9 में मैंने आपको बताया था पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं, यानी टेंस का यूनिक कंसेप्ट 10 यानी 10 आप देख रहे हैं। तो डियर पीपल्स, नाउ सब्सक्राइब माय चैनल स्टूडेंट एनालिसिस एंड लाइक अल्सो। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। अब हम आगे नौवां टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसको सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस। इसका पहचान होता है धातु प्लस उंगा उंगी एंगे ओगे इटीसी। यानी जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में उंगा उंगी लगा हुआ हो और जिससे पता चले कि भविष्य में कोई काम सामान्य रूप से होगा, तब पहचान लेना है उस वाक को देख करके कि यह वाक जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। जैसे अगर कुछ वाक बोले मैं पटना जाऊंगा, उंगा लगा हुआ है लास्ट में, वे लोग क्रिकेट खेलेंगे, मैं उसे पढ़ाऊंगा, मेरे दोस्त लोग दिल्ली जाएंगे, इस तरीके का वाक रहता है इस टेंस। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल अब्लिक विल प्लस वी वन प्लस सब्जेक्ट, ये हो गया अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव लिख लेंगे शॉर्ट में। अब देखिए इसको छह तरीका से कैसे बनाते हैं। अब नेगेटिव बनाने के लिए शैल विल के बाद नॉट लगा देना है, सब्जेक्ट प्लस शैल अब्लिक विल प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, शैल विल को शुरू में रखेंगे, यानी सब्जेक्ट के पहले शैल विल आ जाएगा, शैल अब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये क्या हो गया, ये इंट्रोगेटिव हो गया। आप ध्यान से देखते रहेंगे, देखिए पहले पहला स्ट्रक्चर यदि आप याद रखते हैं तो आसानी से छओ बना लीजिएगा। नेगेटिव में क्या करना है, शैल विल के बाद नोट लगा देना है। इंट्रोगेटिव में शैल विल को शुरू में रख देना है सब्जेक्ट के पहले और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद भी वन। चौथा नंबर अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सेम तीसरे जैसा रहेगा, केवल सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे, शैल अब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हो गया नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों हो गया, नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों हो गया। अब आते हैं डब्ल्यू एच क्वेश्चन में, डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये जो है इसको इंट्रोगेटिव टू कहेंगे, इंट्रोगेटिव टू डब्ल्यू एच वाला। अब आते हैं छठा नंबर में, तो छठा नंबर भी सेम पचमें जैसा होगा, केवल सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे, डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये आपका हो गया
नेगेटिव इंट्रोगेटिव टू तो आपने देखा यहाँ पर किस तरीके से छह तरीके से मैंने स्ट्रक्चर बनाया, बहुत इजी है। फर्स्ट वाला अगर आपको याद है तो आसानी से बना लीजिएगा। चलिए एक वाक लेते हैं, किसी भी वाक को आप छह तरीके से बना देंगे। जैसे अगर मैं वाक लूँ एक, मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा, इसी को छह तरीका से कर देते हैं, देखिएगा। तो आपने देखा एक ही वाक्य को मैंने छह तरीके से यहाँ पे हिंदी कर दिया है। सबसे पहले मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ूंगा, नेगेटिव हो गया, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ूंगा। तीसरा है मैंने बनाया क्या मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा, ये इंट्रोगेटिव हो गया, तो इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे इसमें। चौथा में मैंने बनाया है क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ूंगा। पाँचवा में मैं अंग्रेजी कब पढ़ूंगा। छठा में मैं अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ूंगा। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ही वाक्य छह तरीका से बना है। स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर इसका अनुवाद करेंगे। पहला अनुवाद करेंगे तो पहला स्ट्रक्चर देखना है। तो मैं है सब्जेक्ट, तो आई लिख लिए। आई के साथ क्या होगा, शैल या विल, तो आई के साथ शैल होता है, यानी कि आप देख लेंगे इधर, मैं लिख देता हूँ। आई रहेगा ना और बी रहेगा, तो इसके साथ क्या लगाना है, शैल। क्या लगाना है, शैल। आ इसको छोड़ करके बाकी कोई रहे, यू रहे, ही रहे, सी रहे, इट रहे, किसी का नाम रहे, कुछ भी रहे, एक नाम रहे, अनेक नाम रहे, सबके साथ विल लगाएंगे। लेकिन यदि आई भी आ जाता है सब्जेक्ट में, तो उसके साथ आपको क्या लगाना है, शैल। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ूंगा, पहले इसको बना लेते हैं, रुक जाइए। मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा, तो आई शैल यहाँ तक आ गए। उसके बाद पढ़ना का भी वन क्या होता है, रीड इंग्लिश। पहला स्ट्रक्चर के अनुसार बनाए, पहला मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा यानी आई शैल रीड इंग्लिश। दूसरा में आते हैं नेगेटिव बनाना है, तो आई शैल नॉट रीड इंग्लिश। आप जो है दोनों को एक साथ जोड़ भी सकते हैं तो शांत हो जाएगा, यानी शैल प्लस नॉट को एक साथ कंबाइन करते हैं, यानी कंस्ट्रक्शन बनाते हैं तो शांत बनता है। बट द पर्सन हु स्पीक्स इंग्लिश लैंग्वेज जनरली यूजेज शॉर्ट फॉर्म लाइक कांट, वोंट, इजंट। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा, तो शैल, शैल आई रीड इंग्लिश, शैल आई रीड इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ूंगा, शैल आई नॉट। स्ट्रक्चर देखिएगा, चार नंबर बना रहे हैं ना, तो हम यहाँ तक आ गए, नॉट लिख लिए। उसके बाद क्या चाहिए हमको, बी वन चाहिए, तो रीड इंग्लिश बन गया। अब चलिए पांचवा में आइए, तो पांचवा नंबर स्ट्रक्चर देखेंगे। तो सबसे पहले डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड हमको चाहिए, तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड यही ना है, तो कब का क्या होता है, वेन। पहले डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड लिख लिए। उसके बाद क्या चाहिए, आई के साथ तो शैल ही होगा, तो शैल लिख लिए। उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए आई, वी वन रीड, और उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या हो गया, इंग्लिश। चलिए अब आते हैं छठा नंबर में। छठा नंबर में पहले डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड है, तो क्यों का क्या हो गया, वाई। वाई शैल आई नॉट, यहाँ देखिएगा स्ट्रक्चर में भी यहाँ तक पहुँच गए, रीड इंग्लिश। इस तरीके से आपने देखा कि एक ही वाक्य को छह तरीके से बना दिए। चलिए एक और वाक्य लेते हैं, एक दो और वाक्य लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने फिर एक वाक्य लिखा है, उसको छह तरीका से कर दिया। वह विद्यालय जाएगा, वह विद्यालय नहीं जाएगा, क्या वह विद्यालय जाएगा, क्या वह विद्यालय नहीं जाएगा, वह विद्यालय कब जाएगा, वह विद्यालय क्यों नहीं जाएगा या कब नहीं जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। तो चलिए अब इसका अनुवाद करते हैं। सब्जेक्ट ही हो गया, ही के साथ क्या होगा, शैल या विल, तो ही के साथ विल होता है, यानी इधर मैं लिख दिया हूँ,
आई और बी रहेगा तो सेल लगाइएगा, इसके बाद कोई दूसरा रहे तो क्या बिल लगाना है। उसके बाद वी वन चाहिए तो जाना का गो होता है, किसी स्थान की ओर जाने के अर्थ में टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, टू ए स्कूल, ही विल गो टू ए स्कूल, वह विद्यालय नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा ही विल नॉट गो टू ए स्कूल। क्या वह विद्यालय जाएगा तो विल ही गो टू ए स्कूल। क्या वह विद्यालय नहीं जाएगा, स्ट्रक्चर भी देखते रहिएगा, चौथा में आ गए है तो विल ही नॉट गो टू ए स्कूल बन रहा है, बहुत इजी तरीके से बन रहा है। वह विद्यालय कब जाएगा तो पांचवा नंबर स्ट्रक्चर देखिएगा, सबसे पहले डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड हमको चाहिए, तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड यही ना है कब, तो कब का क्या होता है वेन, वेन विल ही गो टू स्कूल। छठा में वह विद्यालय क्यों नहीं जाएगा, तो क्यों सबसे पहले निकालना है डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड के रूप में, वाई Why will he not go to school? तो इस तरीके से आपने देखा कि छह तरीका से मैंने बना दिया, बहुत ईजी है बनाना। चलिए एक और वाक लेते हैं, कंसेप्ट क्लियर कीजिए। फिर मैंने एक वाक को लिया और छह तरीके से इसको बनाया, पवन अंग्रेजी बोलेगा पवन अंग्रेजी नहीं बोलेगा, क्या पवन अंग्रेजी बोलेगा क्या पवन अंग्रेजी नहीं बोलेगा, पवन अंग्रेजी क्यों बोलेगा, पवन अंग्रेजी क्यों नहीं बोलेगा। चलिए देखिएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट पवन, पवन के साथ क्या होगा बिल होगा, स्पीक भी वन चाहिए, उसके बाद अंग्रेजी का क्या हो जाएगा इंग्लिश हो गया। पवन अंग्रेजी नहीं बोलेगा, पवन विल नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या पवन अंग्रेजी बोलेगा तो बिल पहले डाल दिए, विल पवन स्पीक इंग्लिश। क्या पवन अंग्रेजी नहीं बोलेगा, विल पवन नॉट स्पीक इंग्लिश। स्ट्रक्चर भी देखते रहिएगा, चौथा नंबर में देखिए बिल्कुल स्ट्रक्चर पे इसको फिट करना है। पांचवा में आते हैं तो सबसे पहले डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड है स्ट्रक्चर में, तो यही ना डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड है क्यों, तो क्यों का क्या होता है वाई, वाई के बाद क्या होगा विल, उसके बाद पवन, उसके बाद भी वन चाहिए हमको स्पीक इंग्लिश। छठा नंबर में देखिएगा, सबसे पहले वाई, इसके बाद विल पवन नॉट स्पीक इंग्लिश। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक ही वाक्य को मैंने लिया और उसे ही छह तरीके से बना दिया, बहुत इजी है बनाना, बहुत इजी है, केवल स्ट्रक्चर आपको समझना है, स्ट्रक्चर बनाना भी सीखना है, अब बस आप आराम से बनाते चले जाएंगे, कंसेप्ट क्लियर होगा। तो इसका पहचान याद रखने के लिए आपको याद रखना होगा धातु प्लस उंगा उंगी एंगे, और इस टेंस से पता चलता है कि भविष्य में कोई काम होगा सामान्य रूप से, जैसे मैं जाऊंगा, एक समय की बात है आने वाला टाइम में कि जाऊंगा, इससे यह बोध होता है कि भविष्य में कोई काम होगा। तो डियर पीपल्स, इस वीडियो में इतना ही रहा, नेक्स्ट वीडियो यानी टेंस का यूनिक कंसेप्ट 11th लेकर के मैं आपके लिए आऊँगा, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी हैप्पी,
एंड इन्जॉय योर प्रेशस लाइफ एंड एट लास्ट टेक केयर ऑफ यू. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक्स.